नए साल में भी इकोनॉमी के मोर्चे पर नकारात्मक खबरें आने का सिलसिला जारी है। महंगाई के काफी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अब खबर ये आई है कि वैश्विक मंदी की वजह से भारत का निर्यात दिसंबर में 1.80% गिर गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर का निर्यात मामूली रूप से गिरकर 27.36 अरब डॉलर हो गया। ये पिछले साल की इसी अवधि के दौरान 27.86 अरब डॉलर का हुआ था। ये लगातार पांचवा महीना है जब निर्यात में गिरावट आई है। अप्रैल दिसंबर 2019-20 के 6 महीने के दौरान निर्यात 1.96% कम होकर 239.29 अरब डॉलर, जबकि आयात 8.9% घटकर 357.39 अरब डॉलर पर रहा। इससे देश का व्यापार घाटा इस अवधि में 118.10 अरब डॉलर पर रहा। दिसंबर महीने में भारत का आयात भी 8.33% गिरकर 38.61 अरब डॉलर रहा। इससे व्यापार घाटा कम होकर 11.25 अरब डॉलर पर आ गया। दिसंबर 2018 में व्यापार घाटा 14.49 अरब डॉलर था। पेट्रोलियम आयात 0.83% घटकर 10.69 अरब डॉलर, जबकि सोने का आयतन करीब 4% गिरकर 2.46 अरब डॉलर रहा। आयात और निर्यात में गिरावट का मतलब ये है कि इंडस्ट्री में सुस्ती छाई हुई है। डिमांड कम होने की वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा है। यही वजह है कि आयात होने वाले कच्चे माल भी कम मंगाए जा रहे हैं। निर्यात के घटने का ये भी मतलब है कि व्यापार घाटा बढ़ेगा, जो ठीक नहीं है। ऐसे में अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये चिंता का विषय है। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।